अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हुमेरा में स्वागत है। मैं हूँ हुमेरा। आज हम क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की बुक से चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है वो है अधिकार। अगर हम अधिकार को गहराई से जाने तो अधिकार जो है वो लोगों के तार्किक दावे हैं, यानी जो लोग दावे करते हैं उनको अधिकार कहा गया है। इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली हुई है। ठीक है, मतलब कि समाज ने और अदालत ने इन दावों को अधिकार कहा है, अधिकार कहने की स्वीकृति दी है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना ज़रूरी है। जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना करने के लिए जो अधिकार है उसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बताया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। मतलब कि हमारा जो संविधान है उसका आत्मा और हृदय यानी दिल कौन है, तो जो छठा अधिकार है मौलिक अधिकार में से वो है संवैधानिक उपचार के अधिकार मौलिक। उसके बाद भारत सरकार ने 1993 में मानवाधिकार आयोग गठित किया। ठीक है, और 14 राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग है, यानी कुल भारत में 29 राज्य हैं और 29 राज्यों में से कुल 14 राज्यों में ही मानवाधिकार आयोग जो है बने हैं। उसके बाद जो बताया गया है इसमें वो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब कि जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको सरकार फ्री में पढ़ाएगी। ठीक है, फिर जो बताया गया है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार मतलब कि समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है इसके अंदर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक को सम्मिलित करा गया है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 14 है उसके अंदर क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सम्मुख समानता, सभी को समान कानून प्राप्त हैं, किसी को कम या फिर किसी को ज़्यादा कानून प्राप्त नहीं है। जो भी अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको उतना ही सज़ा मिलेगी। फिर जो अनुच्छेद 15 है उसमें है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब कि कोई भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, फिर अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सरकारी सेवाओं में समानता, हर किसी को सरकारी चीज़ों को उपयोग करने की पूरी पूरी समानता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो अनुच्छेद 17 है वो है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यानी छुआछूत का अंत, किसी के साथ छुआछूत नहीं कि मैं ये नीची जाति का है या ये उच्च जाति का है। अनुच्छेद 18 जो है उसमें है उपाधियों का अंत। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा मौलिक अधिकार जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक को सम्मिलित किया गया है संविधान में। अनुच्छेद 19 में वाक के स्वतंत्र आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब कि जो संघ, वाक, सभा, भ्रमण, आजीविका, निर्वाह, इन सब चीजों को संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, यानी जो अपराधी हैं उनके लिए जो दोष सिद्धि की गई है उसके संबंध में संरक्षण किया गया है। फिर उसके बाद जो अनुच्छेद 21 है उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीने का अधिकार, हर किसी को जीने का अधिकार है, हम किसी की जान नहीं ले सकते। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है शिक्षा का अधिकार, हर किसी इंसान को शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि कुछ जो दशाएं हैं उसमें गिरफ्तारी और निरोधक से संरक्षण किया जाता है। फिर इसके बाद जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंदर अनुच्छेद 23 और 24 को सम्मिलित किया गया है। तो जो अनुच्छेद 23 है उसमें मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है, यानी मानव के क्रय विक्रय या फिर कारखाना में जबरन कार्य करने हेतु जो है इसके अंदर कि मतलब एक मानव से बहुत ही ज़्यादा काम करवाया जाता है और उसको उसकी कम मजदूरी दी जाती है, तो इसका ये भी एक तरीके से शोषण हो रहा है उस व्यक्ति का।
तो ये भी शोषण के विरुद्ध के अंदर आता है। फिर तो उसके बाद अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी बंधुआ मजदूरी या फिर बाल मजदूरी करवाई जाती है। ठीक है, तो ये भी एक शोषण ही हो रहा है उन बच्चों का। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो धर्म है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी को है, तो इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक को सम्मिलित किया गया है। तो जो अनुच्छेद 25 है उसमें बताया गया है, अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार या फिर कर सकता है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य करवा सकता है, वो किसी भी धर्म से रिलेटेड कुछ भी कार्य कर सकता है, करवा सकता है। फिर अनुच्छेद 27 में है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कर देने की व्यवस्था होती है पूरी तरीके से। अनुच्छेद 27 में कोई भी धार्मिक स्थल कर ले सकती है, इसकी पूरी पूरी स्वतंत्रता है संविधान में, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी जहाँ पर शिक्षा दी जाती हो वहाँ पर अगर धार्मिक उपासना की जाती हो या फिर धार्मिक शिक्षा दी जाती हो तो उसकी भी पूरी स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद जो पांचवा मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो इसमें अनुच्छेद 29 और 30 को सम्मिलित किया गया है। जो अनुच्छेद 29 से उसमें बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी जो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों का संरक्षण इस अनुच्छेद में किया गया है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है, जो शिक्षा संस्थान है उनकी स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी मर्जी से अपनी संख्या को या फिर आगे बढ़ने के लिए वो कुछ किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, इस चीज़ की उनको पूरी पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। और जो छठवां मौलिक अधिकार है, जो आखिरी मौलिक अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इसके बारे में इसमें नहीं दिया गया है ना ही बताया गया है। फिर आपको एक फ्लो चार्ट दिखेगा, तो हम फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला फ्लो चार्ट है इसमें बताया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को प्राप्त नए अधिकार, जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उसमें नागरिकों को क्या क्या नए अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो जो सबसे पहला है वो है निजता का अधिकार, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो है पर्यावरण का अधिकार, तीसरा है पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, यानी वो अपना पूरा आवास पा सकते हैं। फिर जो चौथा है वो है स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और उन तक पहुंच का अधिकार, ठीक है। ये थे चार अधिकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान में। फिर उसके बाद चार्ट वो है भारत में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। तो मैंने आपको बताया 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, पांचवा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये तो थे इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। फिर उसके बाद वाले प्रश्न देखें तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है अधिकार शब्द का क्या अर्थ है। तो ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था जब चैप्टर स्टार्ट करा था। तो अधिकार जो है वो लोगों के तार्किक दावे हैं, ठीक है, जो अधिकार है वो लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों से मान्यता मिली होती है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है वो है धर्मनिरपेक्ष शासन से क्या तात्पर्य है, जो धर्मनिरपेक्ष शासन है उससे क्या तात्पर्य रहे। तो इसका आंसर जो है वो ये है कि सरकार किसी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं देती, कि ये धर्म जो है ये इसको ही अधिकार है, सिर्फ सरकार जो है सभी को समान अधिकार देती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। फिर उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो समानता का अधिकार जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव ना करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो है शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा के अधिकार से अभिप्राय जो है वो 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार का उत्तरदायित्व है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है निम्नलिखित में से कौन सी बात छुआछूत की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो वो है ये, किसी दलित के स्पर्श से परहेज ना करना, ठीक है, यानी अगर कोई हमें छूता है तो उससे परहेज ना करना।
फिर जो छठा क्वेश्चन है वो है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है वो न्यायालय करता है। फिर उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है वो है, सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का अधिकार जो है वो सरकारी दफ्तरों से सूचना पाने का अधिकार है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आठवां क्वेश्चन है वो है, वह कौन सा देश है जहाँ अगर कोई व्यक्ति या उस पर आश्रित व्यक्ति अपने आप को पाल नहीं सकता तो सरकार उसको आर्थिक सहायता देगी? तो वो कौन सा देश है? वो है डेनमार्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो नवा क्वेश्चन है वो है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको भी याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित के मिलान कीजिए। तो जो सबसे पहले है, अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो ये कौन सा अधिकार में आता है? ये आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर जो दूसरा है वो है, छुआछूत की समाप्ति, ये कौन से अधिकार में आएगा? ये आएगा समानता के अधिकार में। फिर बेगार पर प्रतिबंध कौन सी समानता पर आएगा? ये आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, बेगार माने बंधुआ मजदूरी, जो बच्चों से काम करवाया जाता है। फिर उसके बाद जो चौथा है वो है, देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, तो इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। फिर पांचवा है, अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार, इसके अंदर ये आएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और फिर जो छठा है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर अदालत से अधिकारों की मांग करना, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने आपको वन वर्ड वाले क्वेश्चन करवाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझ में आया भी तो आप मेरी वीडियो को दोबारा से करके देख सकते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही था, ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो में ज़रा से भी समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमैरा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।